तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन करेंगे बजट के एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है। बजट से 5 से 6 सवाल देखने को मिलेंगे। आरआरबी पीयू, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैंने 10-11 वीडियो कराई है, वो जाके देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं, वीकली करंट अफेयर कराएं, डेली क्लासेस करवाइए, तो जाके एक बार सभी देख लेना जो भी चैनल पर नए जुड़ा हो। और प्लीज जो नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो। तो लाइक और कमेंट करना है, कैसी लगी आपको बजट वाली वीडियो। आप लोगों को इतने कमेंट जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए, तो बताओ यार बजट वाली क्लास कैसी लगी। ठीक है, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों देखो, ये चैनल आपका ही है, आप लोगों का ही है, तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि चैनल पर अभी 21,000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो थोड़े जल्दी से 21K करवाओ। प्लस एक और बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी बैंकिंग के चैनल है, जैसे आशीष सर का है, आशीष अरोड़ा सर का है, क्वांट का, कॉन्स्टेंट गाइड है विजय मिश्रा का, और अल्फा बैंकर है, तो इन पे जाके एक बार अपने चैनल के बारे में कमेंट करो। अभी मुझे पता है आप लोगों के पास कम टाइम है, बट चैनल को बड़ा करने का एक तरीका ये भी है ताकि वहां से भी ऑडियंस आए अपने पास, क्योंकि कॉन्टेंट आपको पता है टॉप नॉच लेवल का कॉन्टेंट है अपने पास। तो मैं ये चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट के पास ये कॉन्टेंट पहुंचे, ताकि जीए का जो डर है सभी के दिल से निकले, ठीक है, और जीए में अच्छा कर पाए। ठीक है, तो अभी मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, फिर भी आप लोग करना चाहो कि चैनल को बढ़ाना है, तो आप लोग एक बार जितना स्टूडेंट जाके कमेंट करेंगे ना, आप क्या कमेंट करना है ये आप लोग सोच लेना, ताकि लोग जीए पढ़ने के लिए यहाँ पाए। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 70 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मैंने फ्रेम किए हैं ताकि सारा बजट आपको याद हो जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं क्लास का। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना प्रोजेक्ट किया है बजट 2024-25 के अंदर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बजट की साइज कितनी है। ठीक है, बजट की साइज तो वो कितनी थी, अपन ने याद की थी 48,25,12 करोड़। इस फ्लो में याद रखना है आपको 48,20,512 करोड़, तो यही है 48,20,512। ठीक है, ये याद करोगे ना कि 48,20,000, तो याद नहीं होगा आपको, फ्लो में बजट का जो डेटा है ऐसे याद होगा 48,20,512, इस फ्लो में याद रखो। ठीक है, अच्छे से सारी चीज क्लियर हो गई। और अलग अलग तरीके के एमसीक्यू है, आप देखना आगे, उससे पहले बीच में थोड़ा मैं आप लोगों को रिलेट भी करता जाता हूँ ताकि याद होएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो देखो बजट के अंदर अपन ने पढ़ा था रिवेन्यू रिसीट कितना था, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ये मैंने कल आपको समझाए थे वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में, वो देख लेना। रेवेन्यू रिसीट कितना था, 31,29,320। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 31.3 लाख करोड़। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट इतना था, कैपिटल रिसीट कितना था, कैपिटल रिसीट 16.9 लाख करोड़। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.09 लाख करोड़ था, एलसी था। ठीक है, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, वो था लगभग अपना 15 लाख करोड़। ठीक है, और ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो वो था 11,111 जो था जीडीपी का 3.4%। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो था बजट का ये है, ये सारी चीजें अपने कल देखी थी। ठीक है, एक बार वापस देख ले, रिवेन्यू रिसीट कितना है 31.3 लाख करोड़, कैपिटल रिसीट कितना है 16.9 लाख करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.09 लाख करोड़, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,111 जो 3.4% है जीडीपी। ठीक है, तो बजट की साइज कितनी है, 48.21 लाख करोड़ भी लिख सकते हो उसको, पर एग्जैक्ट याद रखना है आपको 48,20,512 करोड़, ये बजट की साइज है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट इज द 1 month वेज पेड इन अंडर स्कीम है फर्स्ट टाइमर। तो देखो, जो बजट की सेकंड प्रायोरिटी थी अपन ने देखी थी, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर ये था, सेकंड प्रायोरिटी थी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेके, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेके था। ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर 5 स्कीम थी, 5 में से 3 स्कीम थी। ठीक है, 3 में से स्कीम ए थी फर्स्ट टाइमर के लिए, जो फर्स्ट टाइम जॉब लगेगा। ठीक है, उसको कितने मंथ का वेज मिलेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 1 month का वेज मिलेगा कितनी इंस्टॉलमेंट में, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट, मैंने बताया था आपको 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ओके,
इसमें क्या क्या है, 1 मंथ की सैलरी मिलेगी या तो, या फिर अप टू 15,000 मिलेगा, जो भी कम होगा, ठीक है, इन 3 इंस्टॉलमेंट एज रजिस्टर्ड इन ईपीएफ, अगर वो ईपीएफ में रजिस्टर्ड है तो। एलिजिबिलिटी कितना है, 1 लाख पर मंथ की सैलरी, ये एलिजिबिलिटी है। इस स्कीम का आउटले कितना है, 23,000 करोड़, ठीक है। बेनिफिट कितने यूथ को होगा, 210 लाख यूथ फॉर टू ईयर के लिए, ठीक है। तो ये स्कीम ए, ठीक है, स्कीम है फर्स्ट टाइमर के लिए, जो पहली बार जॉब लग रहे हैं, और ये फॉर्मल सेक्टर के लिए, ये भी अपन ने देखा था कल, ये फॉर्मल सेक्टर के लिए। आगे जाके मैं डिफरेंस भी क्रिएट कर दूंगा, ए बी सी में डिफरेंस क्या है, कल भी मैंने आपको लोगों को याद कराया था, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, बजट की साइज कितनी है टोटल एक्सपेंडिचर, बजट की साइज कितनी है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 48,20,512 करोड़, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द टैक्स रिबेट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो, कुछ जगह पर ऑप्शन है, कुछ जगह पर नहीं है। ऑप्शन अगर मैं बनाता तो अभी मुझे बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी मैं एमसीक्यू करवाऊं, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो देखो, जो अभी नया टैक्स रिबेट आया है, उसके अंदर ये बोला है कि कल ही अपन ने पढ़ा था कि 25,000 का रिबेट अवेलेबल होगा फॉर इनकम टैक्स अप टू 7 लाख, जो रेजिडेंट इंडियन है, ठीक है। और भी अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था दो चीजें एक साथ। तो देखो, एक तो बजट का एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल साइज 48,20,512 करोड़, ठीक है। जो भी स्कीम ए है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें 1 मंथ की सैलरी मिलेगी, 1 मंथ की सैलरी मिलेगी और अप टू 15,000 रुपीज मिलेंगे इन 3 इंस्टॉलमेंट, इन 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। तो यही क्वेश्चन था, कितनी इंस्टॉलमेंट में था। स्कीम ए का आउटले था 23,000 करोड़, ठीक है, उसमें सैलरी की लिमिट थी 1 लाख पर सैलरी, 1 लाख पर मंथ की सैलरी ये लिमिट थी, और अगर वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होगा, और स्कीम ए से 210 लाख यूथ को बेनिफिट होगा, 2 साल में यूथ को बेनिफिट होगा इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेट टैक्स रिसीट कितनी है, नेट टैक्स रिसीट कितनी है बजट एस्टिमेट के लिए, ठीक है, 24-25 के अंदर नेट टैक्स रिसीट कितनी है, तो वो है 25.83 लाख करोड़, 25.83 लाख करोड़, ठीक है। एक बार अपन वापस देख लेते हैं सारी चीजें जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, तो रेडी हो आप, वापस देखते हैं अपन। तो चलो, रिवेन्यू रिसीट कितनी है, रिवेन्यू रिसीट तो वो है 31.3 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट कितनी है, वो है 16.9 लाख करोड़, ठीक है। उसके अलावा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.09 लाख करोड़, 37.09 लाख करोड़। उसके अलावा है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 15 लाख करोड़, ठीक है। उसके अलावा नेट टैक्स रिसीट कितनी है, नेट टैक्स रिसीट कितनी है, वो है 25.83 लाख करोड़, ठीक है। उसके अलावा मार्केट बोरोविंग भी देख लेते हैं अपन, ग्रोस मार्केट बोरोविंग। बजट को हल्के मत लेना, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि बजट से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। ग्रोस मार्केट बोरोविंग कितना है आपका, वो है 14.01 लाख करोड़, और नेट मार्केट बोरोविंग कितना है, नेट मार्केट बोरोइंग इससे कम ही होगा, वो 11.63 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। और बजट की साइज कितनी है, 48,20,512 लाख करोड़, ये बजट की साइज है, ठीक है। नेक्स्ट चलें अपन, उससे पहले एक सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, कि 4 थीम क्या है बजट 2024-25 की, 4 थीम, ठीक है। 4 थीम अपन ने देखी थी, मैंने ट्रिक से याद कराई थी, 4 थीम है, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। तो अपन को ये याद रखना है, मिडिल क्लास को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके लिए उसको स्किल का स्किल स्किलिंग देनी पड़ेगी, और वो चाहे एमएसएमई सेक्टर में हो जॉब, तो इस टाइप से याद कर लो यार, कैसे भी ट्रिक करके, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास, ठीक है। नेट टैक रिसीट कितना था, नेट टैक रिसीट कितना था, 25.83 लाख करोड़, 83 लाख करोड़। नेट मार्केट बोरोइंग, पहले ग्रोस याद कर लेते हैं, ग्रोस मार्केट बोरोइंग कितनी है,
ग्रोस मार्केट बोरोइंग कितना है, तो वो है 14.01 लाख करोड़। और नेट मार्केट बोरोइंग की बात करेंगे, नेट मार्केट बोरोइंग वो कितना है, 11.63 लाख करोड़। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। व्हाट विल बी द न्यू एम्प्लॉयर डिडक्शन लिमिट फॉर कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस आफ्टर द प्रपोज चेंज। तो देखो एनपीएस के अंदर जो एनपीएस स्कीम में एम्प्लॉयर का डिडक्शन था, एम्प्लॉयर का डिडक्शन पहले 10% होता था, उसको बढ़ा के अप कर दिए 14% तक कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर कैन करंटली डिडक्ट 10% ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी फॉर कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस। तो अब एम्प्लॉय की सैलरी से कितना डिडक्ट होगा, पहले 10% होता था, अब होगा 14%, ठीक है यार। स्कीम वाला पार्ट रह गया है यार, मैं मानता हूँ उसके लिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, मैंने सब कुछ दे दिया है। एक ही चीज अपने रह गई है, स्कीम और पैरालंपिक, दो चीजें अपने रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी सारी चीजें लगभग लगभग कवर कर ली है आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, उससे पहले अपन थोड़ा सा पुराना वाला भी वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बजट की जो चार थीम है, फोर थीम है, वो कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट, मिडिल एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, थोड़ा अलग रखना पड़ेगा अपना, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, ये है बजट की चार थीम, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विच टैक्स हैज बीन एबोलिश्ड इन बजट 2024 फॉर ऑल इन्वेस्टर क्लासेस टू स्ट्रेंथन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से टैक्स को एबोलिश किया, तो वो किया एंजल टैक्स को हटाया है अभी, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंजल टैक्स रेफर्स टू ए टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2012 एम्ड एट मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप। स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको मॉनिटर करती थी। इट इज अप्लाइड व्हेन स्टार्टअप इश्यू शेयर एट प्राइस हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, देन डिफरेंस इज ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है। तो आपको इतना नहीं देखना है कि इनकम प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एंजल टैक्स की, आप ये देखो क्योंकि पूछ सकता है ऑप्शन में कि किसको अभी एबोलिश किया एंजल टैक्स को और किससे रिलेटेड है, स्टार्टअप से, ठीक है। इससे पहले अपन देखें कि एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो पहले 10% होता था, अब बढ़ा के उसको कितना कर दिया, 14% कर दिया है। नेट टैक्स रिसीट कितनी है, तो वह 25.83 लाख करोड़, ठीक है। और बजट की साइज कितनी है, इस बार के बजट की साइज टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें 4820512 करोड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। एज पर द बजट हाउ मेनी हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिलीज। तो मैंने कल ही पढ़ा था ये कि टोटल 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए कितनी नई हाई यील्ड और क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी की रिलीज की जाएगी, तो कितनी हाई यील्ड और क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी रिलीज की जाएगी, तो वो है 109। तो 109 हाई यील्ड और क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी रिलीज की जाएगी किसके लिए, टोटल 32 फील्ड और फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, ठीक है। और एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन था, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन था पहले 10% कर सकता था एम्प्लॉयर, उसको बढ़ा के 14% कर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजल टैक्स को अभी एबोलिश कर दिया, एंजल टैक्स को अभी एबोलिश कर दिया है, और एंजल टैक्स स्टार्टअप के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट चलें अपन, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फार्मर्स विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो नेक्स्ट 2 साल के लिए कितने फार्मर को नेचुरल फार्मिंग में इनिशिएट करने का टारगेट है, तो वो है 1 करोड़, ये भी अपन ने पढ़ा। और उसके अलावा अभी पढ़ा था 109 हाई यील्डिंग इन क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी रिलीज की जाएगी किसकी, 32 टोटल 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरे आने के चांसेस है कि टोटल कितनी वेराइटी रिलीज की जाएगी हाई यील्डिंग इन क्लाइमेट रेजिलियंट, तो वो 109, वो भी 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, ठीक है। और एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% था, उसको बढ़ा कितना कर दिया, 14% कर दिया, यहाँ तक चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर।
व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू टीडीएस रेट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर नया टीडीएस रेट रख दिया है 0.1%, पहले 1% था उसको कम करके 0.1% कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, उससे पहले अपन वापस देख लेते हैं, कितने फार्मर को, 1 करोड़ फार्मर को इनिशिएट करना है इनटू नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, कितने साल के लिए ये भी ध्यान रखना है, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। उसके अलावा एक और चीज क्या है, टोटल कितनी 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज रिलीज करेंगे टोटल कितने क्रॉप्स के लिए, टोटल 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। एक बार देख लेना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप आती है, खरीफ में कौन सी आती है, रबी में कौन सी है, ठीक है, ये जरूर देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अभी रिसेंट के बजट के अकॉर्डिंग हाउ मेनी बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर विल बी सेटअप, तो टोटल 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेटअप किए जाएंगे, कितने 10,000। तो वापस देख लेते हैं कितनी वेराइटी रिलीज करेंगे, 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी रिलीज की जाएगी 109, इसके लिए 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग में इनिशिएट करेंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए एंड नेक्स्ट टू ईयर एनपीएस का जो डिडक्शन था 10% से बढ़ा के एम्प्लॉयर के लिए वो 14% कर दिया है। टोटल 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ओपन होंगे, रिसोर्स सेंटर सेटअप किए जाएंगे, टोटल कितने 10,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बजट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर विल बी इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी ईयर फॉर कवरेज ऑफ फार्मर एंड देयर लैंड, फार्मर और उनकी लैंड को कवर करने के लिए डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर में है वो कितने साल में किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो है नेक्स्ट 3 साल में इंप्लीमेंट करेंगे डीपीआई। तो डीपीआई को एग्रीकल्चर में कितने साल में करेंगे इंप्लीमेंट, डीपीआई को करेंगे 3 साल। यहाँ तक अच्छे से चीज क्लियर। और टोटल कितने 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेटअप किए जाएंगे, बायो इनपुट रिसोर्स सेटअप की जाएगी। ओके, तो टोटल नई वेराइटी कितनी रिलीज करेंगे, 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी रिलीज करेंगे और 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके, 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग में इनिशिएट करेंगे नेक्स्ट 2 ईयर में, टोटल 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेटअप किए जाएंगे और डीपीआई को फार्मर और उनके लैंड के कवरेज के लिए डीपीआई को 3 साल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना इस क्वेश्चन को भी। डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा विल बी कंडक्टेड फॉर खरीफ क्रॉप्स यूजिंग डीपीआई इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो डीपीआई के थ्रू डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा खरीफ क्रॉप्स का, टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट में, कितने टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और डीपीआई के थ्रू डीपीआई को इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर में करेंगे कितने साल में, इम्प्लीमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में वो करेंगे 3 साल में फॉर फार्मर एंड देयर लैंड कवरेज, ठीक है। और जो डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा ठीक है, वो कितने डिस्ट्रिक्ट में होगा खरीफ क्रॉप्स के लिए तो डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट में, ये अपने पढ़ा है, ठीक है। टोटल 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट सेटअप किए जाएंगे, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मेनी यूथ विल बेनिफिट फ्रॉम पीएम्स पैकेज ऑफ 5 स्कीम एंड इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग ऑफ 5 ईयर, तो टोटल कितने यूथ को बेनिफिट मिलेगा पीएम पैकेज से, कल भी पढ़ा था अपन ने, वो मिलेगा टोटल 4.1 करोड़ यूथ को, ठीक है। टोटल 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा जो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग जो सेकेंड प्रायोरिटी है उसके अंदर पीएम पैकेज की 5 स्कीम लॉन्च की जाएगी, उससे कितने को बेनिफिट मिलेगा 4.1 करोड़ को बेनिफिट, वो भी 5 साल के, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे उससे पहले जो डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे खरीफ क्रॉप्स का, कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप्स का करेंगे, ठीक है, तो वो कितने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे यूजिंग डीपीआई,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट में, याद हो गया। और जो पीएम पैकेज के थ्रू टोटल 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा 5 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आउटले फॉर पीएम्स पैकेज ऑफ 5 स्कीम एंड इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग और 5 ईयर। तो कितने यूथ को हेल्प मिलेगी इससे? 4.1 करोड़ यूथ को। इसका आउटले कितना रखा है? आउटले रखा है टोटल तो 2 लाख करोड़ आउटले रखा है, उसमें से इस साल का आउटले 1.48 करोड़ ओनली। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक, वापस कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कंटिन्यू बोलेंगे तो थोड़ा पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो गई है। मिस्टेक है 1.48 लाख करोड़ है, इसको सही कर लेना आप, 1.48 लाख करोड़, क्योंकि इतना कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ 2 लाख करोड़ है, उसमें से 1.48 लाख करोड़ इस साल के लिए। तो देखो जो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग प्रायोरिटी है उसके अंदर पीएम्स पैकेज, पीएम का पैकेज है ऑफ 5 स्कीम, मोदी जी की 5 स्कीम का पैकेज है, ठीक है, उससे 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर, बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर में टोटल इतना। उसका आउटले रखा है टोटल 2 लाख करोड़, और इस साल का आउटले कितना है? 1.48 लाख करोड़, याद हो गया अच्छे से यहां तक। नेक्स्ट चले अपन, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू हाउ मेनी रूरल हैबिटेशन। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू कितने हैबिटेशन को वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी? तो वो मिलेगी टोटल 25,000। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है सारे अपने पास। तो देखो एक बार वापस देख लेते हैं, जो पीएम पैकेज था, पीएम पैकेज 5 स्कीम थी, 5 स्कीम थी, उसका उससे कितने यूथ को बेनिफिट मिलेगा? 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा, यूथ को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। आउटले कितना है इसका? 2 लाख करोड़, उसमें से इस साल का है 1.48 लाख करोड़, ठीक है। 109 जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड हाई यील्डिंग वैरायटी रिलीज की जाएगी टोटल 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। और टोटल कितने बायो रिसोर्स इनपुट बनाए जाएंगे? 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट बनाए जाएंगे, और 1 करोड़ फार्मर को नेक्स्ट 2 ईयर में नेचुरल फार्मिंग में के लिए इनिशिएट करना है, कितने, ठीक है। उसके अलावा क्या अपन ने देखा था? उसके अलावा देखा था अपन ने एक और इम्पोर्टेंट था डीपीआई से रिलेटेड, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्रीकल्चर में कितने साल में इम्प्लीमेंट करेंगे? 3 साल में, ठीक है। और अभी अपन ने देखा था डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे, डिजिटल वीडियो से ही मैं याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे खरीफ क्रॉप्स का यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको 3 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे? 400 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 25,000 रूरल हैबिटेशन को वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा सेशन में बताओ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। लाइव भी आएंगे यार जल्दी, 25,000 करो यार जल्दी से, अपना टारगेट है नेक्स्ट 25,000 सब्सक्राइबर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मच प्रोविजन हैज बीन मेड दिस ईयर फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट स्टेट्स इन दियर रिसोर्स अलोकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को कितना देंगे इस बजट के अकॉर्डिंग? तो वो देंगे 1.5 लाख करोड़, कितना देंगे? 1.5 लाख करोड़ देंगे इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। थोड़ा सा अपन वापस देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू जो फोर्थ फेज है उसके थ्रू कितने रूरल हैबिटेशन को कनेक्टिविटी मिलेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हैबिटेशन को? तो वो 25,000 रूरल हैबिटेशन को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो पीएम्स पैकेज है, पीएम पैकेज है 5 स्कीम का, ठीक है, उससे 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट होगा, 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट होगा, ठीक है, 5 साल के लिए होगा। आउटले इसका करंट 2 लाख करोड़ है, टोटल आउटले 2 लाख करोड़, करंट आउटले 1.48 लाख करोड़ है, ठीक है। मजा आ रहा है आपको, मैं बोल रहा हूँ वीडियो से याद हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कमेंट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच टू ऑर्गेनाइजेशन
आर कोलेबरेटिंग टू सेटअप 800 मेगावाट कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट विथ एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी AUSC टेक्नोलॉजी को यूज करके 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करेगी, ये बजट का ही है, तो वो है NTPC और BHEL। NTPC और BHEL मिलकर करेगी, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ने एक कंपनी बनाई थी जिसमें 49% BHEL का है, 51% कोल इंडिया का स्टेक है, ठीक है। NTPC और BHEL मिलकर 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे यूजिंग एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। और इस साल के बजट के अकॉर्डिंग स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, वो कितना मिलेगा? इंटरेस्ट फ्री लोन वो लॉन्ग टर्म मिलेगा 1.5 लाख करोड़। अभी अपन 18 पे पहुंचे हैं, टोटल क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो टोटल 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो 300 यूनिट, ठीक है। उससे पहले NTPC, एक सेकेंड, NPDC लिख दिया, NTPC और BHEL ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, TPP, वो भी कमर्शियल, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो? AUSC क्या है? AUSC क्या है? एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करके। AUSC के फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, याद रखना, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करके 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट कौन बनाएगा? NTPC और BHEL मिलकर बनाएंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू, जो फोर्थ फेज के थ्रू, कितने हैबिटेट्स को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी? 25,000 हैबिटेट्स को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिकवर्ड थ्रू द IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एज हाइलाइटेड इन द बजट? तो टोटल कितना अमाउंट रिकवर्ड किया है IBC के थ्रू? तो वो क्या? 3.3 लाख करोड़। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, रिजोल्व ओवर 1000 कंपनी, 1000 से ज्यादा कंपनी, ठीक है। टोटल 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट बनाए जाएंगे, 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट सेटअप किए जाएंगे। 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग में इनिशिएट किया जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर में। 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी रिलीज की जाएगी। टोटल 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 109, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उसके अलावा अपन देखें कि हाँ, हम बात करें DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर इन नेक्स्ट 3 ईयर, ठीक है। और डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे करेंगे और खरीफ क्रॉप्स का यूजिंग DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का यूज करके टोटल 400 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद हो गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। यहाँ पे स्कीम बी के बारे में बात, स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर हाउ मेनी इयर्स इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर EPFO कंट्रीब्यूशन? तो कितने साल तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को EPFO कंट्रीब्यूशन के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा स्कीम बी जो है उसके अंदर? तो वो है 4 साल के, कितने साल के लिए? 4 साल। काफी सही चीज है यार। देखो, ए तो करती है फर्स्ट टाइमर को, बी करती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, सी करती है एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज, तो तीनों स्कीम काफी क्रिस्टल क्लियर है अच्छे से या नहीं आप बताना। एक बार स्कीम बी में थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। तो स्कीम बी में क्या करेंगे, स्कीम बी की बात करते हैं। स्कीम बी में करेंगे इंसेंटिवाइज करेंगे फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर EPFO कंट्रीब्यूशन, उनका जो EPFO कंट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिवाइज करेंगे फॉर नेक्स्ट फोर ईयर के लिए, ठीक है। इसका आउटले कितना है? 52,000 करोड़। इस स्कीम का आउटले 52,000 करोड़ है, ठीक है। और ये स्कीम टोटल 2 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। और इसमें बेनिफिट मिलेगा 30 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा। तो
और दूसरी चीज जो पीएम्स पैकेज था, पीएम पैकेज था 5 स्कीम का, उसके अंदर टोटल कितने यूथ को बेनिफिट मिलेगा, 4.1 करोड़ यूथ को टोटल बात करें नेक्स्ट 5 ईयर। इसका आउटले था 2 लाख करोड़, करंट आउटले था 1.48 लाख करोड़, ठीक है। और जो स्कीम ए थी उसमें क्या था, स्कीम ए के अंदर 15,000 रुपए तक या अप टू 15,000 और 1 मंथ सैलरी, जैसे मान लो ठीक है 1 मंथ सैलरी, ठीक है लिमिट कितनी, 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट ये है, ठीक है। और इसका इसके थ्रू 210 यूथ को हेल्प मिलेगी। इसका आउटले था 23,000 करोड़, ठीक है। और ये 15,000 रुपए मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी यूथ आर टारगेटेड टू बी प्रोवाइडेड इंटर्नशिप इन न्यू स्कीम ओवर 5 ईयर एज पर द बजट 2024। तो अभी इंटर्नशिप स्कीम आएगी, उसके थ्रू कितने यूथ को इंटर्नशिप कराएंगे, ये भी मैंने बताया था आपको इंटर्नशिप वाले में। तो टोटल नेक्स्ट 5 ईयर में 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्या क्या है पॉइंट वो भी देख लेते हैं अपन सारे। 1 करोड़ यूथ, ये स्कीम 5 है ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये है स्कीम 5। 5 स्कीम में से 3 तो एबीसी वाली है, चौथी स्किलिंग के लिए है वो अलग से पढ़ेंगे, और ये स्कीम 5 है। स्कीम 5 में क्या करेंगे, 1 करोड़ यूथ को नेक्स्ट 5 ईयर में इंटर्नशिप दी जाएगी इन टॉप 500 टॉप कंपनीज के अंदर, ठीक है। उसमें इंटर्नशिप अलाउंस मिलेगा मंथली 5,000 रुपए का, प्लस उसके अलावा वन टाइम असिस्टेंट मिलेगी 6,000 रुपए की, एक ही बार मिलेगी, ठीक है। और इंटर्नशिप जो कॉस्ट होगी वो बियर करेगी कंपनी 10%। इंटर्नशिप कॉस्ट का जो 10% होगा वो कंपनी बियर करेगी उनके CSR फंड में से, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से, ठीक है। कौन एलिजिबल है, जो ना तो फुल टाइम इंगेज है ना ही किसी में एम्प्लॉय है, वो जिनकी एज 21 से 24 साल है वो इसमें एलिजिबल है, ठीक है। यह है नेक्स्ट चले। और पीएम पैकेज के थ्रू टोटल 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट होगा नेक्स्ट 5 ईयर। और स्कीम बी है, उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू दियर EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। और स्कीम बी का आउटले 52,000 करोड़। देखो स्कीम ए बी सी का आउटले याद करूंगा आपको, ए का है 23,000 करोड़, इसका 3 और 2 को आपस में चेंज कर देंगे, ये है स्कीम सी का 32,000 करोड़, ठीक है। और 3 और 2 को 5, 3 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और फिर ये 2 का 2 लिख दिया और ये 52,000। तीनों का आउटले याद हो गया अच्छे से बिना रटे, थोड़ा सा अपने माइंड लगाया, यहाँ भी रीजनिंग लगा दो। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, अंडर स्कीम सी हाउ मच रीइंबर्समेंट पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर टूवर्ड्स EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉयर होगा उसको कितना इंसेंटिवाइज कराएंगे, कितना रीइंबर्स करेगी गवर्नमेंट फॉर ईयर EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, स्कीम सी के लिए। स्कीम सी का आउटले कितना है 32,000 करोड़, ठीक है। तो टोटल 3,000 रुपए इंसेंटिवाइज करेगी। अब इस स्कीम सी के अंदर थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है, ठीक है, तो अगर वो 2 और एम्प्लॉय ऐड करेंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी 3,000 रुपए ईच के लिए। और अगर 50 से कम एम्प्लॉय है तो उनको 5 और ऐड करने पड़ेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट 3,000 रुपए उनको इंसेंटिवाइज करेगी। एक सेकंड, बैटरी खत्म, लैपटॉप की चार्ज लगा लेता हूँ, सारी चीजें मैं चेक करके बैठता हूँ बट कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर। तो ए बी सी स्कीम का पोस्टमार्टम कर ले, अलग अलग तीनों को समझ ले अच्छे से। एक सेकंड देख लेता हूँ, चार्ज शायद नहीं लगा है अभी। अब क्लियर है। तो देखो स्कीम ए, सबसे पहले बात करें अपन एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग के अंदर बोला था कि पीएम पैकेज की 5 स्कीम आएगी टोटल, ठीक है। वो 4.1 करोड़ यूथ को नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, यूथ को बेनिफिट होगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। इसका आउटले था 2 लाख करोड़, करंट था 1.48 लाख करोड़, ठीक है। उसके अंदर ए बी सी 3 स्कीम थी, ठीक है।
ए स्कीम का आउट लेता 23,000 करोड़, स्कीम बी का आउट लेता 52,000 करोड़, स्कीम सी का था 32,000 करोड़। ठीक है, स्कीम ए से 210 लाख यूथ को हेल्प हो रही थी, कितने, 210। स्कीम बी से हो रही थी 30 लाख यूथ को, और स्कीम सी से कितने यूथ को हेल्प हो रही थी, स्कीम सी से, स्कीम सी से हो रही थी 50 लाख। ठीक है, अब स्कीम ए में 15,000 रुपये तक का एडिशनल इंसेंटिवाइज करेंगे, क्या 1 मंथ की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइमर होगा, ये ऑल फॉर्मल सेक्टर के लिए। स्कीम बी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन को इंसेंटिवाइज करेंगे नेक्स्ट 4 ईयर में। ठीक है, स्कीम सी है, स्कीम सी है कि जितना भी एडिशनल एम्प्लॉय होगा, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके लिए गवर्नमेंट उनको रीएम्बर्स करेगी, 3,000 रुपये। ठीक है, और अगर 50,000, सॉरी 50 से कम एम्प्लॉय है तो उनको 5 और ऐड करने पड़ेंगे उस पे, तो ईच एम्प्लॉय पे 3,000 रुपये इंसेंटिवाइज करेगी। और अगर 50 और 50 से ज़्यादा है तो 2 ऐड करने पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करवा दी मैंने, क्रिस्टल क्लियर हो रही है, बजट मज़ा आ रहा होगा अब आपको बजट पढ़ने में। कहीं से भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बजट ये वीडियो देखिए और आपको बजट चुटकी में याद हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट से टोटल कितना अमाउंट रिकवर किया है इस साल बजट में, रिकवर किया है 3.3 लाख करोड़, 3.3 लाख करोड़। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, हाउ मेनी यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर अंडर न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग। तो ये चौथी स्कीम है जिसमें स्किलिंग के बारे में बात की है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में टोटल कितने यूथ को स्किलिंग करेंगे, तो टोटल स्किलिंग करेंगे तो वो टोटल 20 लाख यूथ को, और इसका आउटलाय है 60,000 करोड़। ठीक है, इस स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है ये स्कीम, क्या बोल रही है। ठीक है, तो देखो ये स्कीम है, स्किलिंग स्कीम है, न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर स्किलिंग के लिए। ये स्कीम नंबर 4 है। ठीक है, इसके अंदर कितने यूथ को स्किल करेंगे, 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे, 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे ओवर 5 ईयर, ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, और इसका आउटले है 60,000 का। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, और टोटल कितने नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स बनाएंगे, 10,000। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, विच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंक्लूड द ओरवाकल नोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ओरवाकल नोड कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट चले हैं अपन, टाइम कम है यार, थोड़ा सा अपन जल्दी स्पीड पकड़ लेते हैं क्योंकि अभी तक आधे पहुंचे अपन, आधे एमसीक्यू। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू सेटअप ए न्यू 2400 2400 मेगावाट पावर प्लांट एट पीरपैंती। पीरपैंती में एक नया पावर प्लांट लग रहा है 2400 मेगावाट का, उसके लिए कॉस्ट कितनी है, इसके लिए कॉस्ट 21,400 करोड़, और ये पीरपैंती कहाँ है, बिहार में। ठीक है, अभी देखें अपन, एनटीपीसी और भेल मिलके इसी बजट के अंदर 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, कमर्शियल थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं यूजिंग एयूएससी टेक्नोलॉजी। एयूएससी टेक्नोलॉजी, एयूएससी क्या है, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज करें। यहाँ तक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर चल रही है आपके। उससे पहले अभी देखें अपन, एक एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओरवाकल, ओरवाकल नोड कहाँ बन रहा है, कौन से कॉरिडोर पे बनेगा ओरवाकल नोड, ये बनेगा हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पे, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। ओके, जो स्कीम 4 थी जिसमें स्किलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो कितने यूथ को स्किल करेंगे, टोटल 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे, 20 लाख यूथ को स्किल करना है, टोटल आउटले है 60,000 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं, हाउ मेनी आईटीआईज विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट अंडर न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग। जो स्किलिंग वाली स्कीम थी जिसमें 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे, ठीक है, जिसका आउटले था 60,000 करोड़, उसी के अंदर बोला है टोटल 1,000 आईटीआई को
हम अपग्रेड करेंगे हब और स्पोक अरेंजमेंट में, टोटल 1,000 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आईबीसी के थ्रू कितना अमाउंट रिकवर किया है, 3.3 लाख करोड़। ओके, ब्रेक थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हाउ मेनी यूथ विल बी बेनिफिट अंडर न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज फॉर 5 ईयर। तो जो टॉप 500 कंपनी में इंटर्नशिप करवाएंगे, ठीक है, उसमें कितने यूथ को बेनिफिट मिलेगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो टोटल 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप कराने का टारगेट है। ये स्कीम 5 है, न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन टॉप 500 कंपनीज, 1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा इसके थ्रू। स्किलिंग वाली जो चौथी स्कीम थी उसमें 20 लाख यूथ को, ठीक है, और 12 मंथ का एक्सपोजर मिलेगा इनको, बिजनेस एनवायरमेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चले अपन, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मंथली इंटर्नशिप अलाउंस प्रोवाइडेड अंडर न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज फॉर 5 ईयर। तो सबसे पहले जो 500 टॉप कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगी उससे 1 करोड़ यूथ को हेल्प मिलेगी, सबसे पहली तो ये, ठीक है। इसमें मंथली अलाउंस मिलेगा कितना, मंथली अलाउंस मिलेगा 5,000 रुपए का, ठीक है। वन टाइम असिस्टेंस मिलेगी 6,000 रुपए की। और कौन एलिजिबल है, जो 21 से 24 साल की एज है, जो ना तो एम्प्लॉयड है, वो आर नॉट एम्प्लॉयड एंड नॉट एंगेज्ड इन फुल टाइम एजुकेशन, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो 500 कंपनीज, ठीक है, कितने यूथ को मिलेगा, 1 करोड़ यूथ को इससे बेनिफिट मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चले, विच इंस्टीट्यूशन विल फैसिलिटेट द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द न्यू इनिशिएटिव ऑफ श्रिम्प फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग एज पर द बजट। तो श्रिम्प फार्मिंग और प्रोसेसिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा, SBI देगा या RBI देगा, नाबार्ड देगा या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है नाबार्ड। मैंने पढ़ा था कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, उसी टाइप से क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, नाबार्ड देगा, ठीक है, चीजें क्लियर। उससे पहले अपन देख लेते हैं जो स्कीम 4-5 थी, स्कीम 5 क्या थी, स्कीम 5 थी न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप, न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनी, 500 टॉप कंपनीज फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो इससे टोटल 1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा, 1 करोड़ यूथ को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 12 मंथ की इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, इंटर्नशिप कराई जाएगी 12 महीने की, ठीक है। और उसके अलावा क्या मिलेगा, इनको मंथली अलाउंस मिलेगा, मंथली अलाउंस मिलेगा कितने अमाउंट का, मंथली अलाउंस मिलेगा 5,000 रुपये हर महीने, 5,000। और वन टाइम असिस्टेंस मिलेगी 6,000 रुपये की, वन टाइम असिस्टेंस मिलेगी 6,000 रुपये की। एलिजिबल कौन है, जिनकी एज 21 से 24 साल है, जो ना तो प्रॉपर एम्प्लॉयड है ना ही प्रॉपर इंगेज है फुल टाइम एजुकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग जो प्रायोरिटी है आपकी, सबसे बड़ी वो है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस वहां से, प्रायोरिटी नंबर 2 से। और श्रिम फार्मिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगा नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द इंटर्नशिप कॉस्ट विल बियर बाय कंपनी फ्रॉम दियर CSR फंड अंडर न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो टोटल CSR फंड में से कितना अमाउंट बियर करेंगे वो इंटर्नशिप कॉस्ट का, 10%, मैंने बताया था आपको। CSR की फुल फॉर्म याद रखना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब बात करें PM's पैकेज जो था, PM's पैकेज जो था 5 स्कीम का, उसके थ्रू टोटल कितने यूथ को बेनिफिट होगा, 4.1 करोड़ यूथ को बेनिफिट होगा, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। उसका आउटले था 2 लाख करोड़ टोटल, उसमें से 1.48 लाख करोड़ था करंट, ठीक है। उसके बाद उसमें 3 स्कीम थी, ABC, फिर चौथी थी स्किलिंग। स्किलिंग के अंदर 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे, 20 लाख यूथ को स्किल करेंगे, उसका आउटले था 60,000 करोड़। स्कीम जो पांचवी स्कीम थी, 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी स्कीम थी, उसमें इंटर्नशिप मिलेगी 1 करोड़ यूथ को इन टॉप 500 कंपनी, टॉप 500 कंपनी, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें अलाउंस मिलेगा, मंथली अलाउंस मिलेगा 5,000 रुपये का, वन टाइम असिस्टेंस मिलेगी 6,000 रुपये की, ठीक है। और जो इंटर्नशिप कॉस्ट है, इंटर्नशिप कॉस्ट का 10% CSR फंड में से उनको बियर करना होगा, और ये इंटर्नशिप होगी 12 महीने। क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, कौन सी की प्रायोरिटी है बजट की। तो वो है ऑप्शन नंबर 3,
प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो टोटल 9 प्रायोरिटी है बजट की, वापस याद कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट इन स्किल, ठीक है। और नेक्स्ट इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, 4 है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, 5 है। अर्बन डेवलपमेंट, 6 है। एनर्जी सिक्योरिटी, 7 है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लास्ट सेकंड लास्ट है IRD, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लास्ट है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस में अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के अंदर 109 वेराइटी रिलीज करेंगे 32 क्रॉप्स की, 10,000 नए बायो इनपुट रिसोर्स बनाएंगे, नेचुरल फार्मिंग में 1 करोड़ फार्मर को नेक्स्ट 2 साल में ऐड करेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग में अपन ने क्या पढ़ा था, 5 स्कीम आएगी PM पैकेज की, उससे 4.1 करोड़ यूथ को हेल्प मिलेगी नेक्स्ट 5 ईयर में, उसका आउटले था 2 लाख करोड़। उसके अंदर 5 स्कीम अलग अलग थी, ABC, एक सेकंड क्या हो गया है, उसके अंदर 5 स्कीम थी ABC, और फिर चौथी स्कीम थी स्किलिंग, 5वीं स्कीम थी उसमें इंटर्नशिप करा रहे थे, क्लियर। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 33 पे, इंडस्ट्रियल नोड विल बी डेवलप्ड एट विच प्लेस अलोंग विद द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो गया पे बनेगा ये नोड, ठीक है, इंडस्ट्रियल नोड। उससे ऊपर वाला अपन देखा था ओरवक्कल नोड, ओरवक्कल नोड कहाँ बनेगा, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर पे, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाईएस्ट अलोकेशन बजट में कौन सी स्कीम को मिला है, हाईएस्ट अलोकेशन मिला है नरेगा को, ठीक है, नरेगा को मिला है 86,000 करोड़। नरेगा में ये ध्यान रखना, वन थर्ड वुमेन को वर्क असाइन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी मतलब पूछ ले एग्जामिनर, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर का, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन मिला है 84,671 करोड़, ठीक है। जल जीवन मिशन को थर्ड एलोकेशन मिला है 70,000, ठीक है। पीएम किसान को 60,000 करोड़। तो वापस देखें अपन मनरेगा, उसको कितना मिला है 86,000 करोड़, ठीक है। देखो ये गवर्नमेंट का पता नहीं चलता, इंटरिम बजट लॉन्च किया फिर मेन बजट किया, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आपको जो लेटेस्ट वाला बजट वही पढ़ना है। बट कुछ कुछ चीजें जैसे ये बजट स्कीम का लोकेशन है ये इंटरिम में लॉन्च कर दिया था, तो वही डेटा है ये, तो गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं वो। बजट तो रिलीज कर दिया बट स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा काम हो गया। तो मनरेगा है 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना का आउटले 84,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। जल जीवन मिशन का कितना है 70,000 करोड़, पीएम किसान का कितना है 60,000 करोड़। टेंशन मत लो, जब तक आपके एचपी सर है आपको सब याद करवा देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट चले अपन, और श्रिम फाइनेंसिंग के लिए, सॉरी श्रिम की खेती के लिए, श्रिम की फार्मिंग के लिए कौन फाइनेंसिंग करेगा, नाबार्ड, ओके। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 पे चले, व्हाट इज द स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर आंध्र प्रदेश अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश से ही बनी है, मतलब अलायंस हुआ है बहुत बार, इस बार बीजेपी के अंदर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का भी रोल रहा है, तो आंध्र प्रदेश को इसलिए थोड़ा पैसा दे दिया है गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 15,000 करोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल नोड बनेंगे 2 जगह पे, एक तो कोपार्थी पे बनेगा अलोंग विथ विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, दूसरा बनेगा ओरवक्कल में जो हैदराबाद बेंगलुरु, ठीक है। एक गया पे भी नोड बना है, अभी अपन ने पढ़ा है, वो कहाँ बना है, अमृतसर कोलकाता हाईवे, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, कॉरिडोर है हाईवे नहीं है, कॉरिडोर पे एक नोड बना है गया नोड, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट अलोकेशन बजट में कौन सी मिनिस्ट्री को दिया है। अब देखो इस बार वाले बजट में अभी जो फुल बजट आया उसमें मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट जो इंटरिम बजट आया था उसमें बताया था कि डिफेंस को हम इतना देंगे, तो वही डेटा है। सबसे ज्यादा एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया था 6.21 लाख करोड़, 621,941 करोड़, ठीक है। और ये टोटल बजट का 13% था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी वाली मिनिस्ट्री आप रहने दो क्योंकि वो कंफ्यूज करेगी आपको, अभी मेन मेन चीज अपन वही देख लेते, ठीक है। बस ये याद रखना जो अपन ने देखी थी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए कितना था, 151,851 करोड़, 151,851 करोड़ किया था कल अपने पढ़ा था। नेक्स्ट, मैक्सिमम लोन की लिमिट कितनी है मॉडल स्किल लोन स्कीम के अंदर, और इसमें कितने स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी, तो 25,000 स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी,
और मैक्सिमम लोन की लिमिट 7.5 लाख कर दी है, 1.5 लाख से बढ़ा, पहले 1.5 लाख लिमिट थी, 7.5 लाख कर दी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है। दो नोड मिलेंगे, कहाँ, एक तो कोपार्थी में, कहाँ मिलेगा, एक तो एक बनेगा कोपार्थी, कोपार्थी नोड, ठीक है। ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर पे, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर पे बनेगा। एक बनेगा ओरवाकल, ओरवाकल कहाँ बनेगा, ये नोड बनेगा हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे। और एक अलग से बनेगा गया नोड, वो कहाँ बनेगा, अमृतसर कोलकाता हाईवे इन कॉरिडोर पे, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरिडोर पे, ठीक है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 38 पे, टोटल रिसीट कितनी है इस बार बजट की, अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग को हटा के टोटल रिसीट कितनी है इस बार की, तो वो है 32.07 लाख करोड़, 32,07,200 करोड़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और 25.6 लाख करोड़ किसका है, ये जो ऑप्शन नंबर वन है वो है टोटल टैक्स रिसीट, नेट टैक्स रिसीट कितनी है, 25.6 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट 39 पे चले, व्हाट इज द टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फिस्कल डेफिसिट बाय फिस्कल ईयर 25-26। तो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से कम रखना है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट ये है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, ठीक है, जो आपकी इनकम है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, तो आएगा फिस्कल डेफिसिट। ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट 4.5% डिक्रीज करने का टारगेट रखा है, और मॉडल स्किल लोन स्कीम के थ्रू 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए की लोन की लिमिट कर दी है, टोटल 25,000 स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना दिया, 621,941 करोड़ या 6.21 लाख करोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चल रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट प्रोवाइडेड फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फॉर यूथ हु आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम। तो हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए कितना मैक्सिमम लोन मिलेगा, जो उन स्टूडेंट को, उन यूथ को जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में एलिजिबल नहीं है, 10 लाख रुपए मिलेंगे मैक्सिमम हायर एजुकेशन के लिए, वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, और उसके लिए टोटल ई वाउचर देंगे 1 लाख स्टूडेंट को, ठीक है। चीजें क्लियर। उसके अलावा अपन देखें टोटल रिसीट कितनी है, बोरोइंग को हटा के 32.07 लाख करोड़, फिस्कल डेफिसिट 25-26 के लिए कितना रखना है, बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी। व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर बजट एस्टिमेट 24-25, इस साल के लिए कितना है, 4.9%, 24-25 के लिए कितना है फिस्कल डेफिसिट, 4.9% एस्टिमेट किया है। नेक्स्ट साल के लिए 25-26 के लिए कितना रखा है, बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है, क्लियर। और जो जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन करेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, तो मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन ले सकता है, जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में का बेनिफिट नहीं उठा रहा है। और इसके लिए ई वाउचर कितने पास किए हैं, वाउचर पास किए हैं 1 लाख स्टूडेंट को, ठीक है। विच स्टेट्स आर कवर्ड अंडर पूर्वोदय प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन। तो पूर्वोदय में कौन कौन से स्टेट है, 5 स्टेट है, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट। क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वोदय के लिए पूर्वोदय प्लान बन रहा है, कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूड नहीं है, हर तरीके से रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे चले, विच रिकॉर्ड डिड, तो ये क्वेश्चन अजीब सा फ्रेम हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमन जी ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है, उनसे पहले मोरारजी देसाई जी ने 6 बार किया था, और निर्मला सीतारमन जी ने 7 बार किया है। नेक्स्ट चले, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स अंडर बजट। बजट में वुमेन और गर्ल्स के लिए के बेनिफिट के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है, तो मोर देन 3 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेट 3 लाख करोड़ वुमेन एंड गर्ल्स के बेनिफिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 पे चले, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव यूनियन बजट्स हैज द नरेंद्र मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
एनडीए गवर्नमेंट प्रेजेंट सिंस 2014, तो टोटल कितने बजट पेश कर दिए एनडीए गवर्नमेंट ने? तो वो किए हैं 13 बजट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कोई सोच नहीं पाएगा, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अभी जो बजट आया उसके अकॉर्डिंग उसका क्या टारगेट है, विकसित भारत का टारगेट है कि कौन से ईयर तक, तो वो वही है जो IRDAI का टारगेट है, इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। हु चेयर्ड द बजट सेशन इन पार्लियामेंट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ 94th बजट? तो बजट का कौन सा एडिशन था? 94th एडिशन था। तो बजट को चेयर कौन कर रहा था, बजट पार्लियामेंट सेशन को कौन चेयरमैन कर रहा था? तो वही लोकसभा स्पीकर ही करते हैं, ओम बिरला जी, कोटा से हैं ये। व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो AFS कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो वो है 112 के अंदर। बजट को AFS भी बोलते हैं अपन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 94th एडिशन था। निर्मला सीतारमन जी ने 7 बार बजट किया, उससे ज्यादा पहले किया था मोरारजी देसाई। ओके, 49 पे चलते हैं अपन वापस। हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल सेटअप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो टोटल 1000 ब्रांचेज सेटअप की जाएगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। व्हाट इज द अमाउंट अलोकेटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ अलोकेट किया है इस बार। मनरेगा में कितना किया? 86,000 करोड़, सबसे ज्यादा। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना किया? 84,000 करोड़। जल जीवन मिशन में कितना किया है? 70,000 करोड़। पीएम किसान में किया है 60,000 करोड़। ठीक है, हाउ मेनी विलेज विल बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान? तो टोटल 63,000 विलेज को कवर किया जाएगा, बेनिफिट होगा 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को। इसका आउटले है 79,000 करोड़ के आसपास। सेंट्रल देगा 56,000, स्टेट देगा 22,000 करोड़। ये कवर कितने डिस्ट्रिक्ट करेगा? 63,000 विलेज और 549 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसका 5th फेज, टोटल 25,000 रूरल हैबिटेशन को वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की? 20 लाख। तरुण कैटेगरी में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। मॉडल स्किल लोन स्कीम में, मॉडल स्किल लोन स्कीम के थ्रू 25,000 स्टूडेंट को हेल्प होगा। ठीक है, 1.5 लाख से बढ़ा के लिमिट 7.5 लाख। 53 पे चलते हैं। हाउ मेनी मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट विल बी सेटअप इन MSME सेक्टर? तो मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट 50 लगाई जाएगी टोटल MSME सेक्टर में। हाउ मेनी फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब विद NABL accreditation विल सेटअप? तो टोटल फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब 100 बनाई जाएगी। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टोटल 1000 ब्रांचें ओपन की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब कितनी? 100 की होगी। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें टोटल 50 क्या लगेगी, 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट, मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट कितनी लगेगी? वो 50। फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब वो 100 बनेगी टोटल। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, उन्नत ग्राम अभियान से टोटल 63,000 विलेज को कवर करेंगे 549 डिस्ट्रिक्ट में, और इससे 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को हेल्प होगी। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया? रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर 2.66 लाख करोड़। ठीक है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 1000 ब्रांचेस सेटअप की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम गारंटी कवर प्रोवाइडेड अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? तो क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करेंगे, उसमें मैक्सिमम गारंटी कवर होगा 100 करोड़। ठीक है, उससे पहले अभी लेटेस्ट अपन ने पढ़ा था कितनी मल्टी प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट की फूड इरिगेशन लगाई जाएगी, मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट 50। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा था फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब, फूड क्वालिटी टेस्टिंग सेफ्टी लैब कितनी लगेगी? 100। और मैक्सिमम गारंटी कवर कितने का प्रोवाइड होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम में? 100 करोड़। और 1000 IBPB की ब्रांचें लगानी है। व्हाट इज द न्यू टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन द ट्रेड प्लेटफॉर्म? तो ट्रेड प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करने के लिए जो टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है
वो 500 करोड़ से घटा के 250 करोड़ कर दी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीएस में कितना अब इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? 14%, पहले 10% कर सकता था। इनसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोर्ट से कितना अमाउंट रिकवर किया? 3.3 लाख करोड़। ठीक है, और वापस देखें कितनी मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट लगाई एमएसएमई सेक्टर में 50। कितनी फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी? 50 टेस्टिंग लैब बनेगी 100। ओके, और कितना अमाउंट का क्रेडिट गारंटी फंड रखा है? क्रेडिट गारंटी फंड रखा है तो वो रखा है 100 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट चले, कितनी सिडबी की ब्रांचें ओपन की जाएगी? हाउ मेनी न्यू सिडबी ब्रांचेज विल बी ओपन दिस ईयर टू एक्सपेंड इट्स कवरेज टू एमएसएमई क्लस्टर? ये नया क्वेश्चन है। तो कितनी सिडबी की नई ब्रांचें ओपन की जाएगी? तो वो की जाएगी 24। और कितनी सर्विस कवरेज को एक्सपेंड किया जाएगा? 168 आउट ऑफ 242 मेजर क्लस्टर में 168 कवरेज को एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, और कितनी ओपन होगी नई ब्रांचें? 24। और जो ट्रेस्ट प्लेटफॉर्म है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 500 करोड़ से घटा के 250 करोड़ कर दी है। हाउ मेनी मोर हाउसेस विल बी बिल्ट फॉर अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना? इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 84,000 करोड़ रखा है इस बजट का। 1 करोड़ हाउसेस और बनाए जाएंगे और ग्रामीण में 2 करोड़ बनाए जाएंगे विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। सेंट्रल असिस्टेंट मिलेगी 2.2 लाख करोड़ की नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, इसके अलावा कितनी सिडबी की नई नई ब्रांचेज ओपन होगी? वो होगी 24। हाउ मेनी लार्ज सिटीज विल बी टारगेटेड फॉर वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट एंड सोइल एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए? कितनी सिटी को टारगेट किया है वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? तो वही है टोटल 100। जितनी सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी, जो सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब बनेगी वो कितनी बनेगी? 100। और 100 ही सिटी को टारगेट किया है फॉर वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। हाउ मेनी वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स विल बी डेवलप्ड फॉर ईच ईयर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? तो ये भी 100 ही इसका आंसर। ठीक है, और 100 सिटी को ही टारगेट किया है वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, हाउ मेनी लार्ज सिटीज विथ ए पॉपुलेशन अबोव 30 लाख विल हैव ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान? तो TODP ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान है टोटल 14 सिटीज के लिए जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है। ठीक है, और टोटल कितने वीकली हार्ट बनेंगे? वीकली हार्ट जो वेंडर है उनके लिए 100। ठीक है, और 100 सिटी को सेलेक्ट किया है वाटर सप्लाई सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। और ये जो बजट है, आगे जितने भी एग्जाम होंगे आईबीपीएस पीओ में भी पढ़ के जाना है, SBAPO में भी पढ़ के जाना है, SBI क्लर्क में पढ़ के जाना है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ये तीन एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम ECGCPO में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, कितने हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे? 300 यूनिट पढ़ लिया, 1 करोड़ हाउस होल्ड को देंगे। रिपीट क्वेश्चन है, 11 लाख, सॉरी इस टाइप से याद नहीं रखेंगे, 111 करोड़ अलोकेट किए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो GDP का कितना परसेंट है? 3.4% है GDP का। ठीक है, सिडबी की टोटल नई ब्रांच कितनी बनेगी? 24। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड विल सेटअप फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, व्हाट इज द फाइनेंसिंग पूल फॉर दिस? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया गया। ठीक है, उसका फाइनेंशियल जो कितना अमाउंट का पूल बनाया है, ये बनाया है 1 लाख करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। व्हाट इज द अमाउंट अलोकेटेड फॉर वेंचर कैपिटल फंड टू एक्सपेंड स्पेस इकोनॉमी बाय 5 टाइम इन नेक्स्ट 10 ईयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 करोड़, इसको तो स्टार मार्क कर लेना। बेस्ट 101 में भी मैंने करवाया। 66 पे चलते हैं, जो 9th प्रायोरिटी है उसमें ही है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ULPIN? ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 67, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विथ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउ मेनी सिटी? तो प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क कितनी सिटी में बनाए जाएंगे? प्लग एंड प्ले तो बनाए जाएंगे मोर देन 100 सिटी।
इक्वल्स टू और मोर देन 100 सिटी, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क विल बी बिल्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो टोटल कितने पार्क बनाए जाएंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर? तो टोटल 12। ठीक है, टीओडीपी प्लान के लिए कितने सिटी सेलेक्ट है? 14 सिटी। द सर्विस ऑफ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट सीपीएस, सीपीएस की फुल फॉर्म याद रखना, विल बी एक्सटेंडेड फॉर वॉलेंट्री क्लोजर ऑफ एलएलपी टू रिड्यूस द क्लोजर टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएलपी? एलएलपी की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आ सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 70, टू कर्व इम्पोर्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हजार्डस पीवीसी फ्लेक्स बैनर, फ्लेक्स बैनर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनके इम्पोर्ट को कर्व करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 10% से बढ़ा कितना कर दिया है? तो कुल मिलाकर प्लास्टिक पे बैन करने के लिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10% से बढ़ा के 25% कर दिया है। इसके ऊपर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पीवीसी फ्लेक्स बैनर है उनके ऊपर कितना अमाउंट रखा है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी के लिए? 151 करोड़। और मेजर स्कीम नरेगा के लिए 86,000, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 84,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए कितना है? 70,000 करोड़, पीएम किसान के लिए कितना था? पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़, रिसर्च और डेवलपमेंट में 1200 करोड़ रखे हैं, डीबीटी एलपीजी के लिए 1500 करोड़, लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आईडिया स्कीम 3849 करोड़, न्यूक्लियर पावर के लिए 3228 करोड़, पीएलआई फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए 2143, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6903 करोड़, सोलर पावर ग्रिड के लिए 10,000 करोड़। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट फ्लड मिटिगेशन इन बिहार। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट? तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देगी इरीगेशन और फ्लड मिटिगेशन के लिए, तो टोटल 11,500 करोड़ का आउटले है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को बढ़ाओ थोड़ा, कमेंट करो इधर उधर सब जगह जाके जितने भी चैनल है वहाँ पे। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, अच्छे से प्रिपेयर करो यार सारी चीज़ें। ओके।